अपनी कुकू आ गई। ये क्या पहन गया है? फॉर्मल्स। ओ हीरो बन रहा है? हीरो बन रहा है? नहीं। आज क्या कर रहा है? आज कैसे फिक्सेस? बट्स बढ़िया आ जा। अच्छा ये आज का सेटअप है। ओ माय गॉड, तेरे को पसीना क्यों आ रहा है इतना? ये कैमरा मैं इसलिए छोड़ के गया था यहाँ पे सो दैट की आई कैन नोटिस की मैं कितने टाइम में रेडी हुआ हूँ। सो यहाँ पे 8 मिनट कुछ दिखा रहे एंड अब जाता हूँ मैं बाल बना के आता हूँ। इन 3, 2, 1 Let's go guys, we are ready to rock and roll. We will be starting this vlog with the same energy and the same intensity. आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ मार दिया है भाई। Can you see it? हल्का सा छिल गया यहाँ पे भाई। लेंस ने आज जो backfire करा ना। आज का vlog guys पूरा की पूरा देखना so that कि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या हम लोग कास्टेबल करते हैं। जो भी लोग नया है हमारे चैनल पे watch the full video. एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो और अपनी फैमिली के फोन से जाके सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो। मीन्स अ लॉट टू मी। अब निकलते, लेट हो रहा हूँ। अभी मेरी फट इसलिए रही है क्योंकि मैंने लास्ट वाला व्लॉग अपने चैनल पे अभी तक अपलोड नहीं करा। आधा एडिट हुआ हुआ है और आधा मैं यहाँ से जाके करूंगा। जैसे स्टूडियो पहुंचूंगा बट ड्राई रन भी होगा वहाँ पे, सो टाइम बहुत लिमिटेड मिलेगा इसलिए फटी पड़ी है। बहुत लोगों के 2 से 12 बजे के बीच में बहुत सारे DM आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं अपलोड हुआ। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते भाई जो बोलते हैं कि भाई SAT 12 से आने के बाद आप लोगों ने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं करा। मैंने कहा भाई चैनल जाके देखो, आपने शायद सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्लीज चेक करा करो कि यस कभी नोटिफिकेशन नहीं आती YouTube की तो फिर आप लोगों को जाके एक बार चैनल पे चेक करना होता है। व्लॉग डेली आ रहे हैं, टाइम आगे पीछे हो रहा है। जैसे कि अभी मैं कास्टिंग के लिए जा रहा हूँ तो व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। अब कभी अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूं तो कभी आगे पीछे हो जाता है टाइमिंग, सो प्लीज वो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिया करो। बट यार गेमिंग हाउस से आए तो मेरे को बहुत टाइम हो चुका है, 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली। वो भाई पता नहीं क्या ही अलग ही ट्रिप पे चल रहे हैं। बट हमारी टेबल आ चुकी, वैसे टेबल नहीं है, टेबल के स्टैंड है, नीचे वाले दो आएंगे उसके ऊपर एक टेबल आएगी बहुत बड़ी भाई। जैसे सोची थी बिल्कुल वैसे ही आई है, बट जब ये लगेगी तब बहुत ज्यादा ओपी लगेगी। और आप लोगों को मैंने डिजाइन ही दिखाया अभी तक, मेरे पास आ चुकी है, उसके मेरे को एडिट करना है। व्लॉग के एंड में मन करा तो आप लोगों को दिखा दूंगा बट अभी चलते, लेट हो रहा हूं गजब का। व्लॉग भी एडिट करना है यार, 1:30 बजे पड़ी है। अब पता नहीं जब मैं कास्टिंग के लिए जाता हूँ तभी हमेशा कैब वालों की बीटी क्यों होती है। अब ये ओला वाला बोल रहा है कि भैया मेरा एक ऑलरेडी ड्रॉप है, वो 8 मिनट लेगा, मैं ऊपर से लेके नीचे आएगा और मेरी एप्लीकेशन में क्या दिखा रहा हूँ सोचो, 2 मिनट। बट मीनवाइल आई वांट टू शो यू द टेबल, नीचे पड़ी थी मेरे को पता भी नहीं था। यहाँ पे छोटा सा दिखा सकता हूँ, K18 लिखा हुआ है भाई। क्या लग रही है टेबल, आई विश यू कैन टच द सर्फेस ऑफ द टेबल, बहुत ज्यादा स्मूथ। इसके ऊपर आई थिंक 4 या 5 कोट पॉलिश के लगाए थे तब जाके इतनी सॉफ्ट हुई है। और ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, पता नहीं यार इस टेबल को क्या बोलते हैं। चाचू ने बताया था मेरे को इस टेबल का नाम यार। अगर आप लोगों को समझ आ रहा कि इस मटेरियल को क्या बोलते हैं जो ब्लू वाला है जो बीच में डाला हुआ है, लेट मी नो कमेंट सेक्शन, या तो मैं चाचू से ही पूछ लूंगा यार क्या कहते थे यार। बहुत ज़्यादा यार भी, अब वीडियो भी एडिट करना है अपने को, बहुत बैंड बजी पड़ी है कसम से। एडिटिंग के लिए मेरी पहले इतनी कभी नहीं फटी भाई, वीडियो टाइम पे जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, वीडियो इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। आई कैन नॉट बी लेट, अभी जाके स्टडी भी करनी है थोड़ी बहुत कास्टिंग में क्या क्या चीज़ें बोलनी है, बिकॉज यू कैन नॉट सिट ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ द टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। देखते हैं अभी मेरा KTN गेमिंग के नाम से सब्सक्राइब कर देना भैया। प्लस 1 सब्सक्राइबर ऐसे एक एक करके बढ़ाते हैं भाई, 1 मिलियन हो जाएंगे जल्द। आप लोगों ने नहीं करा सब्सक्राइब करो। Just reached studio and there's something new. चले भैया। So there's a switch over here. ओ भाई 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 बैंड बज गई, बैंड बज गई, बैंड बज गई। Sanitizer machine. अरे बालों की बैंड बज गई यार। केतन पटेल होगा भैया। अपनी कुकू आ गई। ये क्या पहन गया है? फॉर्मल्स। ओ हीरो बन रहा है? हीरो बन रहा है? नहीं। आज क्या कर रहा है? आज कैसे फिक्सेस? बट्स बढ़िया आ जा। अच्छा ये आज का सेटअप है। ओ माय गॉड, तेरे को पसीना क्यों आ रहा है इतना? सैनिटाइजर है बाल में, फैशन बोलते हैं इसको। ये अभी ध्यान से इसको, ये अभी ये पॉजिटिव है, ये अलग, इसकी अलग रिस्ट्रिक्शंस आए हुए हैं। बस सुन, तेरे को कोविड है क्या? हाँ निकलो। फिर से तेरी जींस नीचे जा रही है, ऊपर कर ले, पतला हो गया तेरा भाई। अबे रहने दे, फैल गया और।
लगता तो नहीं है। ओ भाई जॉनसन व्हाट्सअप चल रहा है सब बढ़िया मतलब क्या हालत कर दी है जिंदगी की इसके साथ रह रहे जब से आया जिंदगी शादी वादी कर लिया तुम लोगों ने सो नहीं पाता बेचारा आके सबसे पहले वो पता क्या पड़ा इसने उस पे कहते कोविड देख तेरे बाय द वे वी आर ओवर हियर फॉर दिस टूर्नामेंट MEO सीजन 3 48 मिनट बाद शुरू हो रहा है हम क्रिकेट औकात पे नहीं आते बेटा क्रिकेट इज्जत दिलाती है सुन सुन गिटार का क्या क्या ये बता गिटार पड़ा हुआ है भाई घर पे वो बजाएंगे थोड़े देर मैंने भी ले लिया तूने भी ले लिया ना दोनों भाई बजाएंगे बैस गिटार कॉन्सर्ट करेंगे जॉनी XKT रेडबुल स्पॉन्सर रहेगा रेडबुल प्लीज स्पॉन्सर ये देखो क्या डैंड्रफ देखो भाई यार तू डैंड्रफ के बारे में बिल्कुल मत बोल हालत दिल पे लगती है दिल पे लगती है क्यों कटेड स्टाइल ये जाता है कटेड स्टाइल रिकॉर्ड कर 2000 रुपए लिए 2000 पागराने 2000 रुपए लिए क्योंकि डैंड्रफ दे रहा है नहीं तो भाई भाग रहे हैं मेरे बाल सेट हो जाते हैं इसके बाल सेट हो जाते तेरे भी तेरे बाल तुरंत बाल झड़ रहे तेरे पता है ओशन उसको खुद को नहीं पता इसके बाल झड़ रहे मेरे भी झड़ रहे तेरे भी झड़ रहे इसके तो ऑलरेडी गए भाई इसे क्या जो मारा भाई पिकाचू मैन टाइम टू लीव द अर्थ बॉयज मैं जा रहा हूं वैसे तो बीमार ही रहा कर तू बीमार में थोड़ी लॉजिकल बातें कर लेता है लॉजिक जो भी करता है बीमार में कुछ तो करता है कुछ भी अब बता भाई अब थोड़ा सा स्टडी वडी करते स्टडी मटेरियल ये चलता रहेगा ये 10:30 बजे रात को कहाँ पे आजियो हवेली पे कौन सी हवेली ऐसे ये क्या हवेली पे भाई somehow I managed to upload the video कुछ भी करके अभी अपलोड हो रहा है इट्स 4:24 इन द आफ्टरनून और यू कैन से इन द इवनिंग 11 मिनट्स लेफ्ट 11 मिनट बाद अपने को अंदर जाना है नहीं इसके लिए अपलोड के लिए अपलोड के लिए मैं वही सोच भाई मेरी वर्डी बैग अभी तो आधा घंटा थोड़ा चिल करूंगा सुबह से वीडियो अपलोड करने के चक्कर में जल्दी निकला उधर से सोचा यहाँ के करूंगा यहाँ के भी थोड़ा सा ड्राई रन करा उसके बाद अब फाइनली अपलोड हो रहा है खुशी होती है दिल में जब अपलोड होता है ना यूट्यूब पे दिल से अच्छा लगता है आज कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है भैंस की टाव बट कुछ बंदे होते हैं ना खूब कुछ ऐसा आसपास तो नहीं हो पाता है भाई कितना डिमोटिवेट करके गया सुबह सुबह मेरे को आपको पता नहीं है अभी मिलवाऊंगा आज रात को तो मैं वहीं पर रहूंगा अभी टूर्नामेंट के बीच में बिल्कुल व्लॉग नहीं करूंगा ऑलमोस्ट ना के बराबर बड़ा चलते कुकू अगर रात को थोड़ा चल मारेंगे दिखाता हूँ आप लोगों को उसका आलिशान गद्दा जहाँ पर जाके वो पड़ता है उसका नाम हमने ट्रैप हाउस रखा पर क्या ट्रैप हाउस रखा उसका नाम पर ट्रैप हाउस क्यों ट्रैप हाउस मैं आज तक उस घर में गया नहीं हूं लेकिन उस घर के कारनामे बहुत सुने बट मैं क्या था एक बार क्या था नीचे उसने जो जो बातें करी है कहता भाई मैं साइकिलिंग भी जाता हूँ मैं वॉकिंग भी करता हूँ मैं रनिंग भी करता हूँ मैं दिख कुछ नहीं रहा घर में उस इंसान को डार्क नहीं दिखे आपकी सोच ले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चलो वीडियो अपलोड बाय सो आई फॉरगॉट टू वेयर वन थिंग ये ग्लासेस इन ग्लासेस के बिना अपनी कास्टिंग अधूरी है कितना मिनट बचा 2:40 बचे हैं बैक भाई कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है यार फिर बाद में जाके देखा कि ये स्पेक्स मिसिंग थे अब चलते हैं हम लोग हमारे सेटअप पे आई विल बी सिटिंग ओवर देयर आई विल बी द होस्ट एंड कमेंटेटर रहेंगे ओशन शर्मा बेसिकली दोनों एंटरटेनर होस्ट और कास्टर क्या आज तो एंटरटेन करना फुल बूम बम और बताना कि कल की स्ट्रीम कैसी लग रही बिकॉज आप एक दिन बाद देख रहे थे एंड ये सेटअप पे वापस आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है पुरानी आदत ताजा हो रही है बेसिकली चलो अब रखता हूँ एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए आज रात को अगर ये खत्म हो जाए ना बढ़िया तरीके से फिर धमाल करते हैं सिर्फ 2 मिनट बचे चलो बाय 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 जाओ यार भाई क्या मजा आ रहा है क्रिकेट की कास्टिंग करके बिकॉज एग्जैक्टली वो जो वर्ड्स हम लोग फील्ड में बोलते हैं ना वो हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं एंड प्लीज गिव मी माय ड्रिंक यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई क्या मैच था वहाँ पे मॉर्टल जो स्काउट का मैच जो था वहाँ पे वो लोग खेल ही नहीं वाले थे मीरा हरदा का जो उनका कनेक्शन शायद से इशू था वहाँ पे तो वो खेल नहीं पाए बट आखिरी में स्काउट को बोला आधे लड़के खेलने के लिए एवर रेडी है भाई खेलने के लिए उसके बाद जो भाई आखिरी बॉल किसने देखी थी वहाँ पे जो बाय का जो छक्का गया था भाई दो बार और अल्टीमेट लेवल भाई लड़के स्पैम कर रहे हैं MS धोनी द बेस्ट कीपर एंड एक्चुअली वहाँ पे अगर MSD होते तो वो छोड़ते नहीं कभी भी लाइक द बेस्ट कीपर इंडिया और यू कैन से लाइक क्रिकेट के नेवर है तू जानता भी कौन है ये क्या मतलब भाई क्या बता भाई क्रिकेट वाले लौंडे हैं नहीं तुम इसरो वाले हो भाई तुम चांद और तारे तुम गिनते हो तो हमें क्या पता भाई क्या मैच हो रहा यार मजा आ रहा है यार क्रिकेट की कास्टिंग करने में ऐसे पता भी चला टाइम निकलता आ रहा है 5 घंटे कास्टिंग करने हम लोगों को पबजी मोबाइल में बहुत रेयर होता था कि जब हम 5 घंटे कास्टिंग करनी होती है यहाँ पे एक बात तो है कि मतलब एकदम फन क्योंकि हम लोग मजे मजे में कर रहे हैं दो दो ओवर ऐसे ऐसे निकल जाता था फाइट दे के ये कर करके
और बीच में जो इंटरव्यू है दैट इज द मोस्ट फन पार्ट अबाउट दिस कि उन लोगों से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। लंबा चलता है कभी-कभी लेकिन मजा आता है उसमें। बाबा रियान पराग क्या खेला भाई, वो कैलकुलेटिव रिस्क कि भाई अब सिंगल लेना है अब डबल लेना है फील सेट। मेरे को भी अबे इजी क्वेश्चन है क्या, बट अंकित पंत जीतेगा ना नीचे वाले में सेमीफाइनल से तो वो बहुत ही टाइट कॉम्पिटिशन रहेगा बिकॉज वो भाई क्या छक्के मारा था अंकित पंत भाई, वो लगता है खेल के आए भाई वो। अंकित बोला था कि मैं प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर। अभी 3 मिनट का ब्रेक है, मिलते हैं आप लोगों को ब्रेक के बाद। ये देखो भाई ये खत्म हुआ, ये कास्टर्स का था यार, ये कास्टर्स का था ब्रो। कम से कम यार ये तो बट आज मजा आ गया। 5 घंटे की पबजी की कास्टिंग में ना हम लोगों को ब्रेक चाहिए था, बट इस आज ये जो टूर्नामेंट हुआ आज रेड बुल एमयू सीजन जल्दी ब्रेक खत्म कर दो, आज जल्दी ब्रेक खत्म कर दो यार क्योंकि मजा आ रहा था एक्चुअली क्रिकेट कास्ट करने में। और एक से एक चीज बताते कि भाई क्या हो रहा है, बट आखिरी में जो योगेश जीता ना बंदा भाई क्या खेल रहा था, एक बार भी नहीं आ रहा। ये देखो इधर नीचे कर, कौन से तेरे पैसे ये ऐसे कर रहे देखो कोरोना किसी को चाहिए लेंस के थ्रू थी भाई ये कोविड पेशेंट था थोड़ी दिनों पहले, अब ठीक है तो नेगेटिव आए नहीं आए कि ऐसे पॉजिटिव घूम रहा है। ऐसे कास्ट कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है भाई, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब चलते हैं हम लोग गाइस ट्रैप हाउस में बिकॉज कास्टिंग हो चुकी है खत्म एंड कुकू का घर खुला हुआ है, लेट्स सी व्हाट ही हैव गॉट। मैं पढ़ने जा रहा हूं अरुणा पिक्सा कुकू सांगवान आ रहे ना ब्रो, उसको बोला मैंने वो घर पे नहीं टिक सकता ब्रो, उसके साथ सांगवान को भी कॉल। अरे यार मास्क तो पहन ले, आज आज जरूरत पड़ा स्टाम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। स्टैमिना ओ माय गॉड हमारा अड्डा। कास्टिंग के बाद में हमेशा यही पे आके ब्लॉग करके जाता था कि बताता था कि मैं पूरे पूरे दिन यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने। भाई इतना से एरिया ये ट्यूबलाइट वाला, बट क्या लाइट देता है। काम का मारा रेट हम तो भाई सैलरी वाले गलत जगह बात जा रही है, रेट बता पर डे भैया कुकू लिखा होगा क्या मैं कुकू। हाँ यही है, चल यही है ना, बाय बाय टेक केयर पीस आउट। भाई अभी देखो फिक्सर्स के घर आए थे, फिक्सर्स खुद तो सो गया, थोड़ा बहुत मैंने खाया क्योंकि भाई जोमेटो से मंगा के मैंने खा लिया क्योंकि मेरे को पता था फिक्सर्स कुछ बना के खिलाया गया नहीं। हाँ भाई ठीक है भाई, हाँ ठीक कुछ नहीं बोल रहे वो कुछ बना के खिलाया गया नहीं, और ऊपर से मैगी पड़ी थी, मैंने कहा मैगी खाऊं, मैगी खाने आऊंगा तेरे हाथ की मैगी, मैंने कहा भाई दाल चावल खिलाओ जो बना दाल फ्राई, जहाँ मैं वहाँ ये बेटा ना भाई कोई नहीं साथ में रखना पड़ता, छोटी उंगली पकड़ के अभी लेके जाऊंगा इसको। अभी आप लोगों ने सुना अगर आप लोगों का आवाज आई, इसने क्या बोला, कह रहा गाड़ी में तेल नहीं है। भाई लास्ट टाइम मैं आ गया था इसको लेने के लिए, बट इस बार तो अभी तो मैं हूँ ठीक है, अब यहाँ से कौन लेने के लिए आएगा यहाँ पे भाई, तो सिद्धू मूसेवाला। भाई अब एक्चुअली सुनो, ये वही जगह है जहाँ पे सांगवान की गाड़ी रुकी थी, ये लाइट याद है, यहीं पे मैं गाड़ी लेके आया था धक्का दे रहा था, आज वही सेम सीन चल रहा है यहाँ पे, एक डंडी पटकी पड़ी और इसकी मैं इतनी अंकल आप लोग अगर ब्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज एक बार ये गाड़ी सर्विस में डलवाओ भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। उम्मीद कब से बोल रहे हैं भाई, प्लीज मत बोल अंकल प्लीज, ये सुन सुन के और देख देख के पक चुका भाई, चल आगे चले यही पे खड़ी हो गई सोच भाई सही में यार, चुप है नॉस्टैल्जिया हो चुप है सिद्धू मूसेवाला सुनाएगा। ओए वॉल्यूम कम कर दे यार, कॉपीराइट इश्यूज ब्रो, बहुत बीटी चल रही है ऐसे भी यूट्यूब। हम लोग वही सेम पेट्रोल पंप पे आए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम आए थे, और मैंने अंकल को बोला था चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, भाई मैं कितने लोगों को बोलता हूँ यार, ये मैंने पहली बार सुना है टर्बोजेट और डीजल दोनों सेम चीज है। पेट्रोल है ना? अच्छा वैसे डीजल का ये पावर है। ये सुनो 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 सेंट कितना करा आपने? 1000 रुपए। भैया ऐसा करो चेंज करके इसको 101 102 कर दो, मैं जीपे करूंगा आपको। अब मैंने 1002 पता है क्यों बोला था, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप में ना 1500 200 100 रुपए का कुछ वो प्री सेट होता है कि भाई उसमें ना कम पेट्रोल भरेगा, एज कम्पेयर टू 1002 का कराओगे 102 202 और या इवन कुछ ऊपर नीचे कराओ, जैसे 1000 का भराने जा रहे हो या तो 2001 का कराओ, हो गया ना, तो 1002 का करवाओ, तो ऐसे पता है क्या होता है प्री डिफाइंड जो उन लोगों ने फ्यूल, हिंदी में अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो टाका मारते वो लोग हाँ भाई टाका भाई टाका टाका समझते नहीं है ये चीज, और ये पेट्रोल पंप का यही एक बहुत बड़ी बीटी है। अभी देखिए तो एक्चुअली अब तेरे को इतना फील नहीं होगा, बट हम वो बचाते हैं उसमें उनके लिए भाई, अगर आधा लीटर भी बचता है तो बहुत ज्यादा होता है, और क्वांटिटी पूरे दिन में सोचा कितना कमा लेते होंगे।
सो इट्स 2:53 एट नाइट, आई एम बैक होम. माँ कसम ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब करने गया था और अब वापस आ रहा हूँ. इट्स अ ग्रेट फीलिंग भाई, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि मैं हमेशा कैजुअल में ही घूमता रहता हूँ, फॉर्मल्स में घूमने को ऐसा लगता है नहीं यार तुम एक्चुअली कुछ काम करके आई. यार गेट बंद कर रखा है. सो गाइस आप लोगों को मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना. इट्स ऑलवेज ये ट्राइपॉड. ओ भाई डोंट टेल मी ट्राइपॉड टूट गया. डोंट टेल मी भाई कुछ ना कुछ तो टूटा है भाऊ. ये निकला था साइड से, कोई टूटा वूटा नहीं है. वे हट डरा दिया फालतू में. Now I want to end this vlog again. So thank you guys for watching this video. अगर आप लोगों को पसंद आया तो make sure hit the like button and hit the subscribe button for more amazing vlog we are uploading on the daily basis. आप लोग note नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बोला videos daily आ रही है, भले time कभी ऊपर नीचे हो रहा है. I'm giving my level best कि भाई मैं अभी जैसे late night, अभी मान लो कि 3 बजे आया हूँ, 3:10 पे मैंने एंट्री मारी अपने रूम में, तो अब जाके मैं डायरेक्ट सो जाऊंगा. ठीक है, अब सुबह उठूंगा 10 या 11 बजे के आसपास, व्लॉग अपलोड करूंगा एंड फिर वापस अपने दिन की शुरुआत करूंगा. अब सोच रहा हूँ कल तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, तो मैं अपने रैप वाली जो वीडियो है वो डाल दूँ एक दिन रेस्ट लेके. कल का दिन मतलब कि मैं पूरा रेस्ट लूंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो देखने को मिलेगी वो होगी रैप वाली, जो उस दिन हम लोगों ने सागवान के बर्थडे पे शूट करी थी होटल रूम में. बहुत ही बढ़िया वीडियो की, जो लोग भी म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को अच्छी लगेगी. 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, ध्यान से देखना. फिर कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट. रवि भैया बताया क्या, एक बारी में देखते बोल दे अरे यूट्यूबर हो क्या, मैंने कहा हाँ भाई, और वो सामने से बोला ये चैनल बता दो लाइक कर देंगे. कहा ऐसा सपोर्ट मिले तो और क्या ही चाहिए भैया, मिलियन करा दो क्या, मिलियन भाई लट करवा देंगे, हरियाणा के हैं, मेड इन हरियाणा, मिलियन के भाई करोड़ करवा देंगे बहन दुनिया भर के. मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन करोड़, मतलब 10 मिलियन. यस भाई आ जाओ चौपाड़ पे, खेत बैठेंगे, दो दो पैक मारेंगे. अरे ये नहीं अरे भैया ये वाला नहीं करना, ये आखिरी वाला प्लान थोड़ा, यही तो होता है यूट्यूबर का, समझ रहे मार्केटिंग ऐसे होती है. ऐसे 1 मिलियन हो जाएंगे, ऐसे 1 मिलियन हो जाएंगे. करवा दो लॉन्डो, आप भी सब्सक्राइब कर दो या फिर करो कंट्रोवर्सी. मैं सोच रहा हूँ यार कंट्रोवर्सी कुछ करने की. यार ये कैसा लोग है,